आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान यार सर पे मेरे बता रहा हूँ, इस टाइम पे नशा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज है भाई फाइनल मैच, और मैच अभी स्टार्ट होने में लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा मेरे भाई बाकी है। और देखते हैं मेरे भाई। और इंग्लैंड तो यार अपन इंग्लैंड को नहीं सपोर्ट करेगा, आज अपन करेगा पाकिस्तान को सपोर्ट मेरे भाई। और आज का मैच यार पूरा हो जानदार मैच हो, ये ना हो भाई बारिश हो गई फिर 5 5 ओवर के, ये मैच फिर बेकार हो जाते हैं। आज फुल मैच देखना है मेरे भाई। और अभी से भाई काम धाम करके अभी थोड़ा मोड़ा अभी आज काम कम करेंगे, आज मैच पूरा देखेंगे। अगर जहाँ पाकिस्तान हारने लगी फिर तो मोबाइल ही बंद कर दूंगा, अगर जीतेगी भाई तभी पूरा मैच देखेंगे। वैसे इंशाल्लाह आज पाकिस्तान को भाई जिताना है यार, गोरों को तो भाई दौड़ा दौड़ा के मारना है आज। लेकिन देखो क्या पता उल्टा हो जाए, देखते हैं मेरे भाई। अभी मैच स्टार्ट होने में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा भी बाकी है, देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। बॉलिंग तो वैसे पाकिस्तान की खतरनाक है, बैटिंग इंग्लैंड की खतरनाक है, देखते कौन जीतता है। तो अभी आधे 1 घंटे बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पहले टॉस देखते हैं, मौसम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है भाई। भाई इंग्लैंड ने तो टॉस जीत लिया मेरे भाई, और टॉस जीत के ना पहले कर रही गेंदबाजी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आज इंग्लैंड अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, जरूर मारेगी भाई। अब पाकिस्तान वालों ने अगर भाई 150 भी बना दिए ना तो इंग्लैंड पार नहीं पाएगी, क्योंकि आज उनके बॉलर भी भाई इस कंडीशन को बहुत सूट करता है। तो अभी देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। अभी मैच अभी स्टार्ट होने में 10 15 मिनट बाकी है। अभी मैं भी चल के फटाक से ऑर्डर दे के आता हूँ भाई, जाम लग गया यार। चल रहे मेरे भाई यार, कोई अच्छी शुरुआत नहीं रही, लेकिन फिर भी एक है, एक अभी उम्मीद है यार, इसलिए मैंने लाइव चलाना। यार मक्खियाँ भी परेशान करने लगी यार, बंद कर दिया। अभी देख रहा था यार, जब विकेट गिरने लगती ना फिर मज़ा नहीं आता, जब तक चौके छक्के ना लगे मेरे भाई ना तब तक मैच देखने का मज़ा नहीं आता यार। अभी 68 रन हो चुके हैं इंशाल्लाह, अभी 10 ओवर है, अभी 10 ओवर तो और बाकी है। और अपना बाबर आजम तो अभी है ही मेरे भाई, अभी बाबर आजम है और इफ्तिकार अहमद, नवाज और शादाब खान, अभी ये 3 4 प्लेयर हैं। वही देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 10 तो ओवर हो गया है और 68 रन है अभी, फिर भी चलो ठीक है, 68 रन कोई बुरा नहीं है, विकेट तो दो ही गई है, आखिर में बना सकते हैं। और यार मेन चीज़ क्या है ना, बाउंड्री भी भाई बहुत बड़ी बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री मेरे भाई, काफ़ी बड़ी है। तो इंग्लैंड वालों को भाई मुसीबत होगी, ऐसी बात नहीं, इंग्लैंड वाले को भी मुसीबत होगी। 160 70 बना दिए ना तो इंग्लैंड वाले भी भाई बता रहे, पाकिस्तान आराम से फिर मैच फंसा सकता है। भैया यार कैसे खेल गए यार, देखते ही देखते मेरे भाई वक्त जज्बात सब बदल गए। क्या यार 137 रन मेरे भाई, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो यार इंग्लैंड आसानी से मेरे भाई, ये तो अपनी इंग्लैंड नहीं छोड़ने वाला यार, कौन से हिसाब से खेले मेरे भाई। मतलब बाबर और शान मसूद के अलावा यार थोड़ा मोड़ा शादाब, अब जितने लोग भी सारे यार एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेरे भाई, अगर अपनी नेचुरल गेम खेलते ना तो आज यार ये मतलब 170 के आसपास होता मेरे भाई। लेकिन ये क्या किया भाई यार, दिमाग यार कैसे यार, मतलब ये सब एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेरे भाई ये हो गया। पर ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए यार, कितना स्कोर ले भाई 20 ओवर में 137 रन, यार भैया ये कैसे जीतोगे, बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से भाई, बहुत मुश्किल है भाई। आप लोगों को क्या लगता है भैया, हमें तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड भाई ले गया, अब इंग्लैंड नहीं छोड़ देगा मेरे भाई इतना। लेकिन विकेट है, विकेट तो अच्छा खेला है, अगर पाकिस्तान ने शुरू में 3 4 विकेट अगर गिरा लिए ना भाई तो इंग्लैंड भी भाई फंसेगा, ऐसी बात नहीं, इंग्लैंड भी फंसेगा। लेकिन यार मैंने मैच ही बंद कर दिया, अभी जब मैंने खोला यार मैंने कहा देखता हूँ भाई, कम से कम 150 तो पहुँच ही रहा होगा, तो पता लग रहा है भैया 150 भी नहीं पहुँचे, ये तो इतने में नहीं पड़ गए यार, 137 में ही यार, 137 138 में। क्या भाई यार मैच का यार पूरा यार, अब क्या करना है, मज़ा ख़राब कर दिया यार पूरा मज़ा यार। हमने सोचा था यार इंडिया का कम से कम बदला ही ले लो भैया, लेकिन बदला क्या, वो लग रहा है कि दोनों को भाई, दोनों का हाँ इंग्लैंड नहीं छोड़ने का, ना उनको ना इनको आज। चलो देखते हैं मेरे भाई अभी क्या होता है, अभी तो एक पारी बाकी है, फिर देखते हैं क्या होता है भाई क्या नहीं होता। यार पाकिस्तान मैच हार गया यार कैसे हो सकता है, मैं सोच रहा था इतने में भाई जीतने वाला था यार, जीतने वाला था। वो शाहीन शाह अफरीदी भाई जो इंजर्ड हो गया ना यार, उसकी वजह से मेरे भाई यार वो दो इफ्तिकार के अहमद में 2 छक्के लग गए, और फिर वसीम जूनियर के ओवर में भाई फिर लग गए यार, मोइन अली ने मार दिया, यहीं से यार मैच गड़बड़ हो गया मेरे भाई यार, क्या बताएं मेरे भाई यार, बहुत अफसोस हो रहा है यार। इंग्लैंडियों ने तो यार
जैसलमेर आके उनको देख के ना मूड खराब हो रहा है यार, क्या बताऊं यार। वैसे लेकिन यार पाकिस्तान वालों, तुम्हारी बैटिंग तो मेरे भाई जो वो तो पूरा यार कुदरत का निजाम थी, लेकिन भाई बॉलिंग ना वर्ल्ड क्लास यार। क्या बॉलिंग करी यार शाहीन ने, क्या बॉलिंग करी नसीम ने, क्या बॉलिंग करी हारिस ने, क्या बॉलिंग करी शादाब ने मेरे भाई। चित्तर मतलब लपेड़ के मारा है, लपेड़ के इंग्लैंड वालों को भाई। किसी को मतलब यार किस्मत भी इनके साथ थी यार, इतनी बार ये लोग आउट होने से बचे हैं। एक एक ओवर में दो दो बार तीन तीन बार यार ये लोग आउट होने से बच रहे थे। इनके बैट में बॉल ही नहीं टच हो रही थी यार, कहीं इधर से निकल के जा रही, कहीं इधर से निकल के गई। और वही पाकिस्तान वाले यार, तुम लोगों के यार पता नहीं तुम्हारी कौन सी आज कुदरत का निजाम आया। क्या बोलूं भाई कि जीवन दान मिला ही नहीं तो आउट तो आउट। और यहाँ बता रहा हूँ मेरे भाई यार, बहुत अफसोस हो रहा है यार, अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है मेरे भाई यार। इतने हमारे यार इंडिया से जर्नलिस्ट इतने सारे गए थे जो कवरेज दे रहे थे, वहां से पाकिस्तान जीतता तो यार अलग ही मजा आता। लेकिन बांग्लादेश वालों कह रहा हूँ, इंग्लैंड वालों ने मेरे भाई यार, वैसे अच्छा क्या यार दबाव में वो भी थे मेरे भाई। उनको टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि ज्यादा रन नहीं बना था, ठीक है। अगर यही 100-150 रन होता, 150 प्लस होता ना, तो वो बता रहा हूँ वो भी हाथ खड़े करने लगते, वो भी दबाव में आके। उनको पता है 138 रन है यार, 138 रन क्या होता है T20 में मेरे भाई, T20 में 138 रन क्या होता है। चलो मेरे भाई जो भी है यार, क्या बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ ना। क्या है यार इतना फाइनल यार, सुबह से मेरे भाई मोबाइल देख रहा था भाई, कब 1:30 बजे मतलब कब यहाँ 11 बजे का, तो हमारा मतलब जो टाइम था रियाद में यहाँ सऊदीया का 11 बजे मैच स्टार्ट होता है मेरे भाई, 10:30-11 बजे सुबह से उठ उठ के देख रहा था यार क्या टाइम क्या टाइम। और एंड में मेरे भाई ये रिजल्ट मिला तो तकलीफ होती मेरे भाई, दिल को तकलीफ होती यार बहुत, इतनी जल्दी हजम नहीं होता। फिर अभी चलो ठीक है, हजम कर लिया। आप जैसे साला टिकटॉक खोलूंगा वैसे ही आने लगेगा, यूट्यूब चलाओगे उस पर आने लगेगा, फेसबुक चलाओगे उस पर आने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई। तो चलो जो भी है मेरे भाई, अल्लाह कुदरत का निजाम है मेरे भाई ये भी। चलो ठीक है मेरे भाई, जो भी यार बहुत बढ़िया यार। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग यार आज कमाल की बॉलिंग रही, कमाल की बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग थी यार, बहुत ही ज़बरदस्त।